इस ट्यूटोरियल में मैंने कुछ पैटर्न्स, नॉइस और ब्लर और जो नोट्स ज़्यादातर यूज होता है उस नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं पैटर्न नोट्स की। आप जब और आपकी रेफरेंस इमेज में क्या है, आप क्या सेव करना बनाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सेव नोट, ये साइफाई, नेक्स्ट ये इसमें ये ब्रिक, इस पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स मैंने यहाँ से पैटर्न्स, ये जो जेनरेटर्स हैं जेनरेटर्स में ये जो पैटर्न्स है यहाँ से मैंने ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हूँ। तो इस तरह से आप किस शेप को यूज करना चाहते हैं उसके किस शेप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके एक पैटर्न यूज होता है। तो ज़्यादातर जो नोट्स यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हर बार ब्रिक पैटर्न्स जो है वो यूज होता है बहुत टाइम। तो आप अगर ब्रिक बनाना चाहते हैं तो ब्रिक में आना है। ब्रिक में आने के बाद यहाँ पे हर नोट की एक कॉमन, हर नोट में थ्री पैरामीटर्स होता है, एक बेस पैरामीटर और एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस पैरामीटर। बेस और एट्रीब्यूट ज़्यादातर इतना नहीं होता है लेकिन इंस्टेंस पैरामीटर जो है, इंस्टेंस पैरामीटर ज़्यादातर यूज होता है। तो ये बेस और जो एट्रीब्यूट है वो ज़्यादातर सारे नोट में सेम ही होता है। बेस पैरामीटर इसकी हाइट विथ पिक्सल साइज एंड टाइलिंग, टाइलिंग जो है इसके बारे में बात करना है। तो यहाँ से पैटर्न से मैं एक नोट सेव नोट लेता हूँ, सेव इस सेव नोट। तो सेव नोट की हाइट विथ ये सेव नोट अगर आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इंस्टेंस में आइए और आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो सेव्स होता है, डिस्क, पैराबोलॉइड एंड व्हील, गॉसियंस एंड थ्रोन, इस तरह की कुछ यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे सेव आपको देखने मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइलिंग, यहाँ पे बेस पैरामीटर में हाइट विथ ये सारे तो आपकी समझ में आएगा काम करते करते, लेकिन टाइलिंग जो है इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार काम में आता है। टाइलिंग क्या है, इसकी आप अगर टाइलिंग यूज करना चाहते हैं यहाँ से इसकी जो टाइल शेप की जो स्केल है, स्केल वैल्यू को कम करके आप इसकी टाइलिंग यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टाइलिंग जो मोड है इसे ये है टाइलिंग मोड, एंड यहाँ से आप टाइलिंग नहीं चाहते हैं तो यहाँ से एब्सोल्यूट टू नो टाइलिंग। आप अगर हॉरिजॉन्टल टाइलिंग चाहते हैं तो हॉरिजॉन, नेक्स्ट वर्टिकल टाइलिंग, नेक्स्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइलिंग। आप अगर टाइलिंग नहीं चाहते हैं तो नो टाइलिंग। नेक्स्ट यहाँ से सेव नोट जो है, सेव नोट की जो टाइलिंग आप सेव नोट की टाइलिंग एंड स्केल वैल्यू, यहाँ से जस्ट इंस्टेंस पैरामीटर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसे चेंज करके आप सेव की साइज चेंज कर सकते हैं, रोटेशंस एंगल चेंज कर सकते हैं एंड रोटेशंस फॉल्स, रोटेशंस आप अगर यूज करना नहीं चाहते हैं तो रोटेशन ट्रू और फॉल्स, नो सीक्वेंस, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो एट्रीब्यूट इसमें कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है यहाँ बेस पैरामीटर, बस इस प्रॉपर्टीज सारे नोट्स की अलग है। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज है ये इंस्टेंस पैरामीटर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस नोट की, इस ये है पॉलीगॉन नोट्स, इसकी जो टाइलिंग है इसे जीरो करता हूँ। ये टाइलिंग यहाँ से स्लाइड से एक्सप्लोर, तो ये है पॉलीगॉन नोट्स, इसे भी बहुत सारे जगह में यूज होता है। तो इसे जब आप इसकी जो साइड जो है पॉलीगॉन नोट की जो साइड है उसे इंक्रीज करके इस तरह से आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल और बहुत सारे इसकी जो साइड्स है उसे इंक्रीज करके आप सर्कुलर से भी बना सकते हैं। तो ये है सर्कुलर, इसकी एक साइज स्केल कर सकते हैं वाई साइज एंड इसकी जो स्केल वैल्यू एंड एक्सप्लोड यहाँ से ये डिवाइडेड कर देता है, एक्सप्लोड इस तरह से कुछ शेप को क्रिएट करता है। नेक्स्ट यहाँ से ट्रू फॉल्स टाइलिंग, अब अगर टाइलिंग यूज कर इसको रिपीट इस जो डिज़ाइन को रिपीटेडली यूज करना चाहते हैं तो टाइलिंग, यहाँ से नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से नो टाइलिंग। तो ये है पॉलीगॉन। और एक नोट जो
एस शेप तो मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट ब्रिक ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ से सारे नोट्स आप इस तरह से यहाँ से पॉलीगन वन से, अभी मैं नॉइस के बारे में बात करेंगे तो नॉइस ज़्यादातर डैमेज एज डैमेज के इस शेप की मैंने शेप क्रिएट किया तो इसमें डैमेज लाने के लिए तो नॉइस नोट यूज करूँगा। नॉइस नोट यूज करने के लिए एक जो नोट चाहिए एक है स्लोप नोट, बहुत सारे नोट जैसे रॉप नोट, डायरेक्शनल स्टॉप नोट, डायरेक्शनल ब्लोर, इस तरह की नोट, तो इस नोट को मैं यूज करूँगा। तो अभी के लिए मैं स्लोप लोड नोट के थ्रू इसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे एक स्लोप लोड नोट लिया हूँ, तो स्लोप लोड को मैंने फर्स्ट यहाँ से कनेक्ट किया, नेक्स्ट इसकी आउटपुट इसमें कनेक्ट किया, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस आएगा जब यहाँ पे कोई नॉइस नोट आप किसी भी यहाँ से किसी भी नोट को यूज करेंगे तो यहाँ पे डैमेज होगा, तो डैमेज होगा लेकिन कुछ में अच्छा डैमेज होगा, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से डैमेज होगी और कुछ में कुछ नोट में सही डैमेज नहीं होगा। तो इसमें डैमेज तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है एज में, मैं इतना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसे डिक्रीज कर दूँगा जो इंस्टेंसिटी एंड सेव, इसे चेंज करके आप डैमेज की जो पैटर्न है उसे आप ठीक कर सकते हैं यहाँ से इंस्टेंसिटी और सेव नोट की मदद से, यहाँ से किस तरह से आप डैमेज चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप ये नोट यूज करेंगे, ये है मॉसी फाइबर, तो फाइबर कुछ इस तरह से डैमेज हुआ है। नेक्स्ट इससे अगर यहाँ से इंस्टेंसिटी 0.2, तो इस तरह से एज डैमेज हुआ। तो ये नोट अगर यूज करेंगे, नेक्स्ट ये जो नॉइस है इसे स्लो फ्लोर में यूज करके आप इसकी जो इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप व्यू इस नॉइस की जो पैटर्न है उस पैटर्न में ये डैमेज होगी, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंसिटी ज़्यादा चाहिए। तो इस इंस्टेंसिटी और सैंपल्स इसे यूज करके आप किसी भी इसके साथ किसी भी नॉइस को यूज करके आप इसकी जो डैमेज पैटर्न है उसे चेंज कर सकते हैं। आपकी प्रोजेक्ट में जो डैमेज चाहिए, जिस तरह से डैमेज चाहिए उसे आप यहां से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एक करके मैं कनेक्ट करके देखता हूं कि किस तरह से डैमेज हो रहा है। ये डायरेक्शनल स्टॉप, अगर इसे इंक्रीज करता हूं, ये है क्रिस्टल नॉइस, सॉरी क्रिस्टल नॉइस, एंड यहां पे मैं कुछ क्रंच इसे से डैमेज के लिए नहीं, बहुत सारे काम में यूज होता है। यहां से ए वैल्यू भी 0.1 चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से डैमेज हुआ है। तो ये आप जब इसमें डायरेक्शनल स्ट्रोक यहां से जस्ट इसमें ड्रैग करना है, टैप प्रेस करना है, डायरेक्शनल स्ट्रोक यहां से डायरेक्शनल स्ट्रोक, तो डायरेक्शनल स्ट्रोक में भी ये सारे जो नॉइस है इसे यूज करके डायरेक्शनल स्ट्रोकिंग कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप इस इंस्टेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो एक डायरेक्शंस, यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, आप अगर इसमें ब्रिक यूज करेंगे तो मैं किसी भी एक रैंडम टाइल है इसे यूज करता हूँ, तो ये सारे नोट को मैं डिलीट करता हूँ क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से ये ब्रिक पैटर्न को यूज करता हूँ,
टच करने के बाद यहाँ पे ये जो नोट यहाँ ये है ग्रे स्केल, ये है कलर, इसलिए ये नहीं काम कर रहा है। इसलिए मैं एक नोट लेता हूँ, यहाँ से ये नोट ग्रे स्केल कन्वर्टर, अभी मैं इसके ऊपर डायरेक्शनल रॉपिंग यूज करना चाहता हूँ। तो यूज करने के लिए नॉइस काम में आएगा, डायरेक्शनल रॉप, आप किस डायरेक्शन से इसे रॉपिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप एज में आप फोकस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से ये रॉपिंग हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी रॉपिंग बढ़ा देता हूँ और यहाँ से जो ये नोट ज़्यादातर काम में आता है। अभी मैं ब्लिंट नोट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सेफ नोट लिया हूँ, सेफ जस्ट ओनली सेफ नोट। सेफ नोट में यहाँ से एक डिस्क पैटर्न, डिस्क को थोड़ा सा स्केल, नेक्स्ट ए नोट, नेक्स्ट इसे कंट्रोल सी एंड पेस्ट कंट्रोल वी, नेक्स्ट इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ब्लिंट नोट के थ्रू यहाँ पे ड्रैग टैप ब्लिंट, ब्लिंट नोट के थ्रू ए मैं बैकग्राउंड में बड़ा सेप को एंड छोटा सेप को फॉरग्राउंड में कनेक्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये मैं आउटपुट को लेता हूँ, आउटपुट का आउटपुट सेटअप से डिलीट, इसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद इस तरह से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है तो इसके ऊपर ये ओवरलैप हो गया, तो इसे मैं यहाँ से जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ से सब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, इस शेप से इस एरिया को सब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई अगर यूज करेंगे तो इस तरह से, क्योंकि मल्टीप्लाई और ओवरले डिवाइड इसके साथ ये डिवाइड, नेक्स्ट यहाँ से जो मास्क यूज करने के लिए यहाँ पे दो कलर ग्रेडियंट लेता हूँ, कलर ग्रेडियंट एंड इसे ब्लिंट के साथ, मास्क होता है ब्लैक एंड वाइट वैल्यू, इसे जब आप इधर कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट इसकी ब्लिंट कलर हो चुका है। इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से नेक्स्ट ड्रैग ट्रैप, ये जो कन्वर्टर है ग्रेस्केल कन्वर्टर, इसे यूज करना है। तो मैंने इस एरिया पे एक कलर यूज करूँगा और इस एरिया पे अनदर कलर यूज करूँगा। तो इसलिए किया है, यहाँ पे जो कलर नोट्स हैं, ये मेरा कलर नोट था बेस कलर, तो इसमें क्या करना है और एक ब्लिंट कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसे कनेक्ट करना है और इस शेप की वैल्यू, ये मेरा मास्क इनपुट है तो शेप इन शेप को आप स्केल करेंगे तो इस तरह से इसकी जो शेप एरिया व्हाइट एरिया पर ये कलर एंड ब्लैक एरिया पर ये कलर यूज होगा। इसका मतलब है व्हाइट का मतलब है फॉरग्राउंड एंड ब्लैक का मतलब है बैकग्राउंड, बी फॉर बी ब्लैक फॉर बैकग्राउंड एंड व्हाइट एरिया इस मास्क की व्हाइट एरिया है फॉरग्राउंड एंड ब्लैक एरिया है बैकग्राउंड। तो ब्लिंट नोट में यहाँ पे ब्लिंडिंग
मूड रहता है और यहाँ पे ओपेसिटी रहता है। ओपेसिटी आप कितना चाहते हैं, ये टू कलर की ब्लेंडिंग में काम करता है। आप कितना इस कलर को कितना ज़्यादा चाहते हैं और इस कलर को कितना चाहते हैं, ये ओपेसिटी काम करता है। ओपेसिटी नेक्स्ट ब्लेंडिंग मूड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कलर की मल्टीप्लाई वैल्यू ये जो होगा डिवाइडेड। नेक्स्ट ओवरले स्क्रीन, ये फोटोशॉप की जो लेयर में जो होता है वो कॉपी ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई और स्क्रीन मोड ये सारे यहाँ पे भी है। तो इसे अब यूज कर सकते हैं। तो ये थी ब्लिंच की स्प्लैटर सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। स्प्लैटर सर्कुलर बेस और एट्रीब्यूट तो सेम ही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है पैटर्न अमाउंट और ये सारे नोट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से स्प्लैटर आउटपुट के साथ स्प्लैटर को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ सर्किल यहाँ पे हो रहा है। इस पैटर्न अमाउंट को आप कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे 10 है तो जब आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से पैटर्न अमाउंट इस तरह से इसकी जो शेप की जो वैल्यूज है वो बढ़ेगा। पैटर्न अमाउंट रैंडमली आप पैटर्न अमाउंट को यूज करना चाहते हैं यहाँ पे रैंडम पैटर्न अमाउंट। एंड नेक्स्ट यहाँ से रिंग अमाउंट, कितना रिंग अमाउंट ये जो सर्कुलर है ये कितना होगा, फोर लाइंस 1 2 3 4 लाइंस हुआ है। तो यहाँ से आप किस तरह की पैटर्न चाहते हैं तो यहाँ से पैराबोलॉइड डिस्क, यहाँ से मैंने एंड यहाँ से डिस्क, यहाँ से स्क्वायर पैटर्न चाहते हैं, यहाँ से वेव्स ऐसे शेप नोट की तरह है। नेक्स्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट सिमेट्री रैंडम, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस जो है अब 2D व्यू में देखेंगे तो इसकी नज़र आएगा रेडियस इस तरह से, रेडियस रैंडम, रेडियस जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ से एंगल रैंडम, यहाँ से ऑफसेट डायरेक्शंस रैंडम, यहाँ से नेक्स्ट ये सारे जो है यहाँ से इस तरह से पैटर्न सर्कुलर पैटर्न। यहाँ से और एक पैटर्न की जो खास बात है पैटर्न मैंने इस एग्जांपल पे पैटर्न जो सर्कुलर पैटर्न है इसकी पैटर्न इनपुट होता है। यहाँ पे जो इमेज इनपुट डी स्क्वायर ये है फर्स्ट इनपुट है इमेज इनपुट। तो ये आप जब ऑन करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आपके जितना इमेज चाहिए आपको यहाँ से 4 दिया हुआ है, आप 5 इमेज 6 इमेज इस तरह से इसकी वैल्यू सेट करके इमेज को यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि ऐसे कौन कौन सी नोट ज़्यादा यूज होता है, तो उस इसलिए मैंने ये एक सेटअप दिखाऊंगा। तो ये मटेरियल है, तो इसमें ब्रिक क्रिएट करने के लिए एक शेप नोट, उसकी शेप नोट स्क्वायर एंड टाइलिंग मोड ऑफ एंड साइज। नेक्स्ट एज डिटेक्ट, उसकी एज को इस तरह से डिटेक्ट, एज डिटेक्ट नोट यूज किया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे एज ब्लोर, इसकी एज में कुछ ब्लोरीनेस लाने के लिए। नेक्स्ट लेवल क्या है, ये फोटोशॉप की तरह इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज, अब जब इसकी जो ब्लोर है ब्लोरनेस अब कितना चाहते हैं तो इसलिए लेवल। नेक्स्ट एक ग्रेडियंट लिनियर, जो इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट लाने के लिए। नेक्स्ट एक ब्लोर नोट, तो यहाँ पे एक ब्लोर, यहाँ पे एक ब्लोर, तो ब्लोर लेवल ये सारे नोट जो है बार बार यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो ब्रिक है उसकी पैटर्न लाने के लिए यहाँ पे रैंडम टाइल, तो इसकी कुछ जो ब्रिक है उसमें रैंडमनेस लाने के लिए। नेक्स्ट
ब्लोर हाई क्वालिटी, यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं उसमें जो एज है उसमें ब्लोर लाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नॉइस पैटर्न जो इसकी जो एज है इसे डैमेज करने के लिए, मैंने पहले ही दिखाया है कि ये जो नॉइस है ये डैमेज करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पे भी डैमेज करने के लिए मैंने यूज किया, तो यहाँ पे डायरेक्शनल सिरप जो इधर से जो फॉलिन नॉइस को मैं यूज किया हूँ। नेक्स्ट फॉलिन नॉइस जूम यहाँ पे इस डायरेक्शनल सिरप के साथ यहाँ पे आता है, तो इसकी जब इसमें क्लिक करूँगा तो ये सेव तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शनल्स इस डायरेक्शन पे रॉपिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक डायरेक्शनल स्ट्रॉप जो इस तरफ, नेक्स्ट एक ब्लिंट नोट जो दोनों को ब्लिंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्लोप ब्लोर नोट है, तो स्लोप ब्लोर फिर से एज को यहाँ पे जब आप इसका और इसके अंदर स्लोप ब्लोर मैंने पहले ही दिखाया है कि एज डैमेज यहाँ पे जब आप जो सेव नोट में आप अगर किसी नॉइस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे उस नॉइस की हिसाब से ये ब्लोर ने ये एज को डैमेज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ब्लिंट नोट जो ऊपर की जो ब्लिंट और ये सेव नोट के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट और डैमेज पैटर्न लाने के लिए ये स्लोप ब्लोर, नेक्स्ट स्लोप ब्लोर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इन्वर्ट ग्रे स्केल क्या करता है, ये इस इमेज को इन्वर्ट करता है, ब्लैक एंड वाइट इमेज को इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट ग्रे स्केल नोट। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रोक फिर से डायरेक्शन अब ये रॉपिंग करने के लिए यूज होता है, तो इसकी जो ब्लैक एंड वाइट एज है इसको डायरेक्शनल रॉपिंग करने के लिए ये नोट यूज होता है। नेक्स्ट ये 2D व्यू में आप देखेंगे तो इसका चेंजेस जो है वो देख पाएंगे, इस तरह से कुछ रॉपिंग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लेवल नोट इस तरह से यहाँ से ये और एक स्लो ब्लोर, तो इसके साथ इसके डिफरेंस ये लेवल नोट यूज करके ये जो ब्लैक एंड वाइट का जो वैल्यू है इसे इनक्रीज, यहाँ पे वाइटनेस ज़्यादा है। नेक्स्ट और एक स्लो ब्लोर इस ब्रिक पैटर्न में थोड़ा सा और डैमेज लाने के लिए ये स्लो ब्लोर यूज किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लिंट, तो इस तरह से तो ज़्यादातर स्लो ब्लोर ब्लिंट लेवल एंड डायरेक्शनल स्ट्रॉप भी काम में आता है। तो यहाँ पे एक क्रैक्स, ये नोट के बारे में मैंने पहले नहीं बताया हूँ, तो यहाँ पे क्रैक्स नोट जो क्रैक्स 1, 2 और 3 है इसे यूज करके एज डिटेक्ट, ये इस क्रैक्स की जो एज है उसको साफ साफ देखने के लिए एज डिटेक्ट नोट। नेक्स्ट एज को थोड़ा सा ब्लोर, नेक्स्ट यहाँ से लेवल क्रैक्स करने के लिए फिर से डैमेज, क्रैक्स का मतलब है डैमेज और तो स्लो ब्लोर ग्रे स्केल, यहाँ पे एक नॉइस पैटर्न यूज किया, ये जो नॉइस पैटर्न। अब अगर स्लो ब्लोर के अंदर देखेंगे तो इस एज में कुछ डैमेज आया है। नेक्स्ट डायरेक्शनल स्ट्रॉप क्या करता है, तो ये जो स्लो ब्लोर है इसमें कुछ एक डायरेक्शन पे ये रॉपिंग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लिंट नोट ए इस नोट एंड इस नोट के साथ कनेक्ट होता है, तो इसके इसमें थोड़ा सा क्रैक्स आ रहा है, तो एक क्रैक्स मैंने इस सेटअप से लेके आया हूँ, एक क्रैक्स। नेक्स्ट स्प्लैटर मैंने इस तरह से ये वोट, नेक्स्ट ये लेवल इस तरह से ये नोट
ये जो है तो ये थी नोट सेटअप। यहाँ पे ज़्यादातर ब्लोर डायरेक्शन डायरेक्शन रफ स्लो ब्लोर एंड नॉइस एंड पैटर्न ये यूज हुआ है। तो अगले ट्यूटोरियल में कैसे एक शेप को यानी मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं आप देखेंगे।